Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप सबको प्रणाम। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज गुरु वंदना का दूसरा भाग, श्री गुरु चरण रति ऐ से ही उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। यदि हो जाए गुरु चरणों के प्रति रति, तो मानो यह है सर्वाधिक उत्कृष्ट गति और सब आशाओं की हो जाए पूर्ति। वाह क्या बात है, कविता बन गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि शिष्य अपने हृदय में गुरु के चरणों के प्रति रति को विकसित कर ले। रति के बहुत सारे अर्थ हैं। रति से अर्थ है चाहत, प्रेम, आसक्ति, अनुरक्ति, लगाव। तो यदि शिष्य अपने गुरु के चरणों के प्रति रति को विकसित कर ले, तो उसको यह मान लेना चाहिए कि उसने सर्वाधिक उत्कृष्ट गति को प्राप्त कर लिया है। गति से अर्थ है ठिकाना, आश्रय स्थल, गंतव्य, डेस्टिनेशन। तो शिष्य मान ले कि वो अपने सही स्थान पर पहुंच गया। तो ये शिष्य का ये आध्यात्मिक नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के चरणों के प्रति अगाध प्रेम को उत्पन्न करे अपने हृदय में, और मान ले कि सारे तीर्थ स्थान गुरु के चरणों में स्थित हैं। तो यदि वो ऐसी अद्वितीय रति अपने गुरु के चरणों के प्रति विकसित कर ले, तो उससे उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और शिष्य के हृदय में क्या इच्छा है? शिष्य जो है भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तभी तो उसे गुरु मिले हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो शिष्य के हृदय में एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। पर यदि कहीं पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण हो जाएंगी। आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि वहां पर शब्द है ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो वहां पर शब्द है सर्व आशा। सर्व आशाओं से अर्थ है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। हम ऐसी आशा करते हैं कि जो शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं ही होनी चाहिए, भौतिक नहीं होनी चाहिए। परंतु कर्मों के कारण या जन्म जन्मों के संस्कारों के कारण हृदय में जो धूल की परतें पड़ी हुई हैं, भौतिक वासनाओं का अंबार है, तो हो सकता है कि कोई भौतिक इच्छा भी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए विडंबना यह है कि इस प्रार्थना में लेखक पहले बोलते हैं जब गुरुमुख पद्म वाक्य चितिते करिया एक्या आर न करिए मने आशा। बोलते हैं कि आप अपने मन में कोई दूसरी आशा ना करें और गुरु के वचनों के साथ अपने चित्त को एकाकार कर दें। तो आराना करिए मने आशा, और यहां पर है ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो ये कैसे हो गया? एक तरफ कह रहे हैं मन में कोई आशा मत करो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदि आपने गुरु के चरणों के प्रति रति को विकसित कर लिया, तो आपके हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, चाहे वो भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक। धन्यवाद। हरे कृष्णा।